तो सबसे पहले अगर हमें CSS का कोड हमें अपने HTML के उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ से जाएंगे विजुअल कोड पर, और विजुअल कोड पर जाने के बाद यहाँ से हम इसको फाइल में जाके जो पहले से ओपन फोल्डर्स हैं उनको क्लोज फोल्डर करेंगे, और फिर हम यहाँ फाइल में जाके एक ओपन फोल्डर कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाके हमने एक फोल्डर देखना है जिसका नाम है CSS। ये मैंने पहले से बना रखा है, आप भी बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि CSS के नाम से बनाएं, आप दीप, इब्राहिम या नेमतुल्ला किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। उस फोल्डर के अंदर चले जाएं, तो मैंने देखे यहाँ पे फोल्डर्स बनाए हुए ग्रुप्स के नाम से, तो मैंने एक फोल्डर आपके ग्रुप के नाम से बना दिया, फायरवॉल नोवाइस। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर हम चले गए और यहाँ पे जाके हमने इसको स्लैक फोल्डर कर दिया। ये फोल्डर हमने अपने VS कोड के अंदर डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब डिफाइन करने के बाद सबसे पहले हमने एक न्यू फाइल लिया, उसको सेव किया, यहाँ पे जाके उसका नाम रखा क्लास 01.html, ताकि वो एक वेब पेज के तौर पे सेव हो जाए। शिफ्ट वन के साथ एंटर किया, बेसिक कोड हमने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पे लिखा क्लास 01 CSS अप्लाइंग एक्सटर्नल मेथड। ठीक है, टाइटल लिख दिया, F5 दबाया, वेब ब्राउजर पर हमने इसको लिया, ठीक है। लेने के बाद